हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हमारी CSS सीरीज का लेक्चर नंबर 9th, पेडिंग इन CSS। ओके, द CSS पेडिंग प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कंटेंट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। ओके, एक्चुअली पेडिंग होता क्या है? तो पेडिंग जो है वो एक्चुअल देखा जाए तो जो कंटेंट होता है उसके और जो बॉर्डर होती है उसके बीच का स्पेस होता है। ओके, With CSS, you have full control over the padding. There are properties for setting the padding for each side of an element, top, right, bottom and left. Okay. हमारे हाथ में ही properties होती है कि हमें padding को किस तरीके से set करना है. Okay. तो basically 4 types की होती है padding, जो हम top में भी padding कर सकते हैं, right में भी, bottom में भी और left में भी. ये देखिए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं अलग अलग कि जब हम स्टाइल सीट के अंदर लिखेंगे पेडिंग कितनी होना चाहिए, जैसे टॉप में 50, राइट में 30 और बॉटम में 50 और लेफ्ट में 80। ओके, अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। पहले हम CSS कोड देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर है H1 में और हमने सिर्फ इसकी बॉर्डर भर लिखी है, हमने कोई पेडिंग नहीं लगाई है। ओके, पर यहाँ हमने 20 पिक्सल पेडिंग लगाई है। ओके, और अब आपको मैं इसका HTML कोड दिखा देता हूँ। यहाँ हमने कॉल किया है demo.css को। ओके, और H1 में वेलकम टू, सॉरी इंसर्ट करवाई demo.css फाइल को। ओके, और वेलकम टू प्रशांत एकेडमी इंदौर H1 में लिखा है और H2 में भी हमने वही चीज लिखी। ओके, अब हम एक बार इसे गूगल क्रोम पे ओपन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं इसमें जो है स्पेस नहीं है बिल्कुल, ये ऊपर की बॉर्डर और ये चिपक कर ही आपको दिख रहा है। ओके, पर यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप आपको दिख रहा है। ओके, अब आप चाहें तो इसमें भी गैप कर सकते हैं, आप यहाँ एक लाइन अटैच कर सकते हैं पेडिंग। ओके, और पेडिंग आप ले सकते हैं 50 पिक्सल। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने ले ली 50 पिक्सल पेडिंग और अब हम इस पेज को रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 अराउंड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों ओर हो गए। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें बॉटम में ही चाहिए या सिर्फ टॉप में ही चाहिए, तो हम यहाँ ऐसा लिख देंगे जैसे टॉप। ओके, यानी लिख दे टॉप में। ओके, तो अब आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने पर ये सिर्फ अब टॉप में ही है हमारा पेडिंग। ओके, बाकी सभी जगह से हट चुके। अब हमें और क्या करना है, अब यदि हम चाहते हैं कि हमें लेफ्ट से भी चाहिए तो अब हम यहाँ पे एक और कोड अटैच कर देंगे लेफ्ट। ओके, ये हमने लेफ्ट का एक कोड और अटैच कर दिया। ओके ओके, और अब इस फाइल को फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं टॉप और लेफ्ट से स्पेस हो चुका है। ओके, तो आज आपने इस लेक्चर में देखा कि हम किस तरीके से पेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। ओके, और पेडिंग क्या होती है। थैंक यू।